एसी रूम में हम लोग रहते हैं दोस्तों, पूरी तरह से धस गया था ये बारिश में ही, और इसमें से शायद पानी पार हो गया, क्या हुआ देखिए कहाँ से पानी आया ही। दोस्तों देख सकते हैं कितना बजा है दोस्तों, 8 बजने वाला है दोस्तों, और देख सकते हैं पूरी तरह से पानी पड़ रहा है दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है दोस्तों। रात का समय है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, और हमारे घर में देखिए पूरी तरह से पानी चू रहा है, क्या पूरा पानी चू रहा है। देखिए बाबू लोग यहाँ पे खाने बैठा है दोस्तों, यही पे पानी चू रहा है, देखिए बड़ी दिक्कत होता है बारिश होता है, फापड़ा से घर में पता नहीं चलता किधर से पानी चूने लगता है, एकदम हर जगह से। यहाँ देखिए बाबू खाने बैठा है, यही पे पानी गिर रहा है, खाओ बेटा खाओ। और दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा पानी चू रहा है, देखिए इतना ज़्यादा पानी चूने का है, देखिए पूरी तरह से एकदम पूरी तरह फूट गया। हाँ अल्बेस्टर जो लगाए थे हम लोग, वो पूरी तरह से फटा हुआ है, इस तरह से देखिए पूरी तरह फट गया है दोस्तों, सारा बारिश का पानी एकदम घर में घुस जाता है यहाँ पे इस तरह से। इधर देखिए चूल्हा जलते हैं हम लोग का, खाना भी पूरी तरह से नहीं बना है, हाँ बंद। यहाँ भी इतना पानी चू रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे ना तो वहाँ पता है हम लोग का द्वार के सामने ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, बाहर में भी बारिश छूटेगा तो जाएंगे वहाँ पे पानी सारा एकदम कटोरी से उठा उठा के फेंकना पड़ेगा, जब बारिश छूटेगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इतना दूर से कैसे, यहाँ पे पहले पानी नहीं छूटा था इतना भी, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हो पाएगा तो कर इस तरह होगा होता है। रुका क्या हुआ बेटा, बेटा यहाँ पानी गिर रहा है, बेटा थोड़ा उधर जाओ पीछे जाओ बेटा, लो खाओ दोस्तों, यहीं पे पानी चू रहा है, यहाँ पे पानी नहीं छूटा था पहले, फिर यहाँ देखिए पूरा एकदम बर्तन भर गया कढ़ाई, इतना पानी, ये वाला बर्तन हटाना पड़ेगा जी, ये वाला देखिए यहाँ पे पूरा कढ़ाई भर गया है। देखिए हम लोग अगर नहीं ना, मतलब अगर हम लोग सो जाएंगे ना तो पूरा पूरा ही घर पानी पानी हो जाएगा, जब बारिश होता है ना तो हम लोग जब सोते ना उस टाइम हर जगह बर्तन रख के एकदम सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है दोस्तों। देखिए इतना सारा पानी भी इकट्ठा हो गया है और इधर भी भींग गया है, तो देखिए यहाँ जो झटास आता है ना, देखिए किस तरह से मलक रहा है, ये झटास के कारण एकदम यहाँ पूरा खाली खाली है ना, ये झटास के कारण यहाँ पे पूरा एकदम पानी पानी हो गया, उधर आलू वगैरह रखे हैं वो भी भींग रहा है, यहाँ पे वहाँ देखिए पूरा दिवाली वाला भींग गया जी दीवार, देखिए इतना सारा पानी हो गया, ये भर जाएगा तो फेंकना पड़ेगा इसको उठा के, हुआ ठीक ठीक हुआ जी, एक यार उठा दे और पिलाटेगा, गोईठा भी लगा रहे हैं क्या हम लोग, अभी तो कुछ मिलेगा नहीं पत्थर वगैरह, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो गोईठा ही लगा रहे हैं खपड़ा में, इस तरह से गोईठा लगा दिए हैं दोनों साइड से, तो यहाँ का पानी थोड़ा रुका है, कहाँ कहाँ देखें यहाँ पर भी पानी चू रहा जी, भाई देखिए ना सारा मसाला भींग गया है यहाँ पे, भाई देखिए सब डब्बा हल्दी वगैरह रखे हैं यहाँ पूरा, यहाँ पानी घुस चुका है देखिए, सब भींज गया लेकिन पूरा पानी पानी हो गया, सब डब्बा में पानी आ गया, यहाँ पहले पानी नहीं आता था, यहाँ से भी पानी आ रहा है देखिए, अरे यहाँ पे ये बम्बू इसमें भी ऐसे आ गया पानी, इसमें यहाँ हाँ वहाँ वाला पता नहीं, वहाँ से शायद यहाँ पे आ रहा है, इतना अधिक बारिश हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम, देखिए किस तरह से एकदम मलक रहा है क्या जी, ये किस तरह से एकदम बिजली कड़क रहा है, डर लग रहा है बाप रे बाप, पूरा पूरा ना एकदम व्हाइट हो जाता है, देखना भी पूरा लाइट गिरेगा,
हाँ डर लग रहा है जी। दोस्तों ये लोग खाना खा लिया है और देखिए कैसे हरकत कर रहा है एकदम, और बारिश अभी तक नहीं छूटा है। इसको भी खाना दे दें क्या जी? चाय रोटी और आलू भुजिया। देखिए दोस्तों चाय रोटी चाय बनाए क्योंकि सब्जी बना ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा तेज बारिश हो रहा ना, हर जगह से पानी निकल रहा है, चूरा पानी एकदम पूरा खपड़ा फूटा हुआ है क्या। तो अभी इसको खाना दे दिए दोस्तों, और बारिश देखिए अभी भी छूटा नहीं है, पूरा एकदम मलक रहा है, लग रहा है जैसे सुबह हो गया है उस तरह से। देखिए कैसे कर रहा है एकदम पूरा, तो हम भी खा लेते हैं दोस्तों। देखिए लग रहा है एकदम सुबह हो गया है, इस तरह से मलक रहा देखिए। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया दोस्तों, बारिश भी थोड़ा छूट गया है, छूटा नहीं है मतलब, तो झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा भी चूना कम हो गया है, देख सकते हैं ठोक ठोक करके गिर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पानी देखिए कितना ज्यादा भर गया है दोस्तों, तो इसको ले जा करके हम लोग आंगन में फेंक देंगे दोस्तों, नहीं तो फिर क्या होगा कि रात को अगर फिर से बारिश अगर हुआ तो फिर से चूने का दोस्तों भर जाएगा, भर जाएगा तो सारा पानी घर में घुस जाएगा दोस्तों। इसको चलिए उठाते हैं, उठा करके बाहर में ले जाके फेंकते हैं। हम लोग का घर का दशा दोस्तों, कितना ज्यादा पानी भर जाता है दोस्तों, ऐसे ऐसे उठा उठा करके हम लोग को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ इतना भरा है दोस्तों, पीछे भी भरा है बहुत ज्यादा। यहाँ यहाँ अरे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से पानी पूरा चूरा नहीं, बस वो पूरा टूट गया है एकदम, तो यहीं से पूरा ज्यादा पानी आया है ये वाला। ये वाला इधर कर लीजिए ठीक है, यहाँ से फेंक दीजिएगा ना, वहाँ पे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे भी झटास आता ना, झटास के कारण अरे दीवार कैसे गीला हो गया इतना, यहाँ दीवार में भी पानी चूरा शायद, वो जो खपड़ा ना वो पूरा एकदम हट गया है, लेकिन वहाँ पूरा फाका हो गया ना, यही फाका के कारण शायद ही दीवार गीला हुआ है इतना ज़्यादा। अरे दीवार से ही पानी यहाँ पे इतना आया है, अरे बांस टूटा है इसकी वजह से भी यहाँ पानी इतना आया है। ये वाला देखिए कितना इकट्ठा हो गया पानी, हम लोग का बारिश होता तो रोज इतना काम करना पड़ता क्या? हाँ। जितना बार बारिश होता है उतना बार हम लोग ऐसे ही पानी फेंकते हैं दोस्तों। नहीं यहाँ तो बहुत कम है, वहाँ आगे हाँ आगे दिखाएंगे, चलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी, आइए आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पानी है, सब इधर वाला घुस जाता है, ये जो पैर है ना ये पैर पूरा डूब जाएगा, देखिए इतना ज्यादा गड्ढा है, देखिए पूरा पैर डूब गया। अरे बोला एकदम बाहर तक फेंकना पड़ेगा, इस साइड में फेंकाएगा यहाँ से, फेंको यहाँ से फेंकना पड़ता है वहां पे एकदम। कितना गीला हो गया देखिए, मिट्टी मिट्टी पूरा गीला हो गया, इधर का मिट्टी पूरा एकदम स्लिप कर रहा जी, पूरा पानिया चू गया है ना, हाँ पूरा मिट्टी गीला हो गया इस तरह से, हफ्ता भी मिट्टी गीला हो गया काफी ज्यादा। खत्म हुआ पानी, अब फिर से बह के जा रहा, देखिए तो बोला झाड़ू से इस तरह से कर देते तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा एकदम से इधर जो छेदा हो गया था, हम लोग का जो घर है ना दोस्तों इसी रूम में हम लोग रहते हैं दोस्तों, पूरी तरह से धस गया था ये बारिश में ही, और इसमें से शायद पानी पार हो गया ना, क्या हुआ देखिए कहाँ से पानी आया ही, देखिए कीड़ा घुसा, देखिए कीड़ा ओह देखिए यहाँ से पानी आया जी यहाँ पे, ये बोला पूरा टूट गया, देखिए ये बोला जिस दिन टूटेगा ना उस दिन सारा बर्बाद हो जाएगा। चींटी है हम लोग यहाँ पे सोते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पंखा लगा हुआ है एक छोटा सा, और ये यहाँ पे बाबू लोग सोता है, हम लोग भी सोते हैं। आते थे बाबू लोग जब छोटा छोटा था तो ऊपर से जो हम लोग का जो दिया हुआ है ना छत पटा हुआ है, अभी देख रहे हैं कि आप लोग देखें कैसे मिट्टी वगैरह गिरता है जो है ना, ये वाला इससे देखिए पूरा बालू गिरता है, देखिए गिरता है, छोटा बच्चा रहता था तो इसी तरह आँख ऊपर करके सोता था ना, तो आँख में बालू गिर जाता था, तो यहाँ पूरा हम लोग लगाए थे ये वाला।
पूरा लहसा फट गया है, तो फट गया तो थोड़ा सा बचा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से शायद। हाँ यहीं पे टूटा हुआ है ना, तो यहीं से शायद पानी चुआ है। इसमें से भी पानी आता है दोस्तों, लेकिन ये वाला हंडी लगा, हंडी में पानी भरा होगा क्या? भरा नहीं होगा। तो छत पे चढ़ के सुबह देख लीजिएगा ठीक, नहीं तो फिर हंडी का पानी भरेगा तो पूरा हंडी एकदम गिर जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अंदर में आज नहीं सोएंगे दोस्तों, यहीं पे सोएंगे दोस्तों, खटिया लगाए हैं देख सकते हैं। लाइट नहीं है। हाँ लाइट भी नहीं है दोस्तों, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है दोस्तों, और एकदम अंधेरा में सब कोई एक दूसरे को काला काला दिख रहे हैं कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। सो जा बेटा, यहाँ सो जा बेटा। हाँ सो जाओ, आराम से सो जाओ। दोनों बाबू यहाँ सोएगा, एक और खटिया यहाँ पे बिछा देंगे। यहाँ पे हवा लगता है, बारिश हो तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा लगेगा। लाइट तो आएगा नहीं क्योंकि हम लोग का गाँव में नियम है, जब बारिश होता है तो लाइट बिल्कुल भी नहीं देता है। सो जाओ।